जल लेना है दोस्तों। बहुत कड़वाहट रहता है लेकिन बुखार का जो तकलीफ रहता है वो दूर ही हो जाता है दोस्तों, चाहे पुराना से पुराना बुखार हो वो जड़ से। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सब तो ठीक होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने ज़िंदगी में दोस्तों। और दोस्तों आज के न्यू वीडियो में आपके छोटे भाई की ओर से हार्दिक दिल से स्वागत है। और मैं फिर लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए एक नया औषधि, एक नहीं अनेक औषधि बताने वाला हूँ। आज भी मैं कई औषधि बताने वाला हूँ ग्रामीण क्षेत्र में जो मिलता है आसानी से, जिसे लोग खर पतवार समझ कर उखाड़ कर फेंक देते हैं, वो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ उसका औषधि गुण। तो वीडियो पे पूरा बने रहें, लास्ट तक बने रहें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हर रोज़ नया से नया जड़ी बूटी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं फिर आ गया हूँ इस साइड में, हमारे खेत के साइड में देख सकते हो इधर बहुत सारे जड़ी बूटी हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं तो उसके लिए खरपतवार है। और मैं हर रोज़ आप सबके लिए नया से नया जड़ी बूटी हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और लाभदायक होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं एक इधर पेड़ है देख सकते हो, इधर नज़दीक से जाकर दिखा देता हूँ। ये पेड़ है, इसे बोलते हैं चार का पेड़ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, और चार ही बोलते होंगे आपके साइट में भी। तो इसी का औषधि प्रयोग बता देता हूँ मैं। कल तो महुआ का औषधि प्रयोग बताया, आज इस चार के उसके गोंद के बारे में बताने वाला हूँ। और चार तो एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ना इसका एक व्यवसाय हो जाता है दोस्तों, जो मजदूर लोग इसके गुठली को तोड़कर बेचते हैं और बहुत ही फायदेमंद भी है। उसके गुठली में ना जो बीज रहता है वो बहुत बहुत स्वादिष्ट और लाभदायक है दोस्तों। इसके गुठली तो अभी नहीं है, गर्मी के दिन में इसमें फल लगता है, मीठा फल बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज बहुत पौष्टिक वर्धक होता है उसके बीज, तो बीज तो नहीं है अभी, तो मैं इसके पेड़ को दिखा दे रहा हूँ और इससे जो गोंद निकलता है ना उसका फ़ायदा बताने वाला हूँ। तो सामने कैमरा से आप सबको इसे दिखा देता हूँ ताकि आसानी से पहचान आ सके। और देख सकते हो दोस्तों इस प्रकार से रहता है चार का वृक्ष, और ये भी औषधि गुण से भरा हुआ है, इसमें गोंद भी नहीं निकला है। देखते हैं इधर निकला होगा तो, नहीं निकला है, गोंद भी नहीं है। तो इसके पत्ते को पहले पहचान करा देता हूँ। देख सकते हो पत्ते इस प्रकार से रहता है चार का, और यहीं से इसमें जो फल लगता है तो यहीं से फल लगता है। अभी तो फल नहीं है, गर्मी के दिन में रहता है, तो पत्ता इस प्रकार से रहता है। तो इसके जो गोंद निकलता है ना दोस्तों, वो बवासीर के मस्से पे लगाने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। यहीं से काट दोगे तो एक दिन में ही इससे गोंद निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसे काट सकते हो, गोंद निकालना चाहो तो हल्का सा, और उससे जो गोंद निकलेगा इसका सिरा निकलेगा, लासा भी बोल देते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। यहीं पर इधर नहीं है, इधर जहरीला कीड़ा है, देख सकते हो अंदर में घुस बैठा है, छह बूंद वाला, इसे छह बूंदिया बोल देते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। वीडियो बनाते बनाते दिख गए मुझे। उसके भी बारे में जो काट लेता है ना, तो उसके भी बारे में औषधि बताने वाला हूँ मैं आप सबको। देख सकते हो अंदर में है, तो गोंद इसी प्रकार से यहाँ से निकलेगा, काट दोगे तो इसी प्रकार से, नहीं यहाँ तो नहीं है लेकिन गोंद इसका निकलता है, वो बहुत सिर के मस्से में लगाने में बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। और दूसरा औषधि आप सबको चलो दिखा देता हूँ, इधर है इधर ही था दोस्तों, चलो ढूंढ लेता हूँ मैं, जो अभी छह बूंदों वाला जो दिखा ना उसे काट लेगा तो उसके जड़ को लगाने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है, उसका जहर नहीं लगता है, वो आसानी से नहीं काटता है, अचानक ही काट लेता है। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ मिल गया, इसे देखकर आप पहचान लो ये अग्निशिखा है। तो जो छह बूंदिया वाला अभी बताया ना जो उस पेड़ पे चार के पेड़ पर था, तो वो काट लेगा ना तो इसके पत्ते को मसल कर लगा सकते हो, या इसके जड़ को निकाल कर वहाँ पर लगा सकते हो। बहुत जहरीला कीड़ा रहता है, तो कीड़ा
उसका जहर ख़त्म हो जाएगा। और बिच्छू या सर्प ने काट लिया है तो वहाँ भी लेप लगा सकते हो इसके जड़ को, और इसके पत्ते को भी खाना नहीं है, ये बहुत जहरीला रहता है। तो ये जहर जहर को ही काटता है, इसलिए इसका लेप आप लगा सकते हो। बिच्छू सर्फा या जहरीला कीड़ा कुछ भी काट लिया है तो इसका प्रयोग आप सब कर सकते हो। अग्निशिखा देख सकते हो इस प्रकार से रहता है। और इसका एक और फ़ायदा बता देता हूँ आप सबको, यदि आपको कांच गड़ गया है पैर पे ना और नहीं निकल रहा है आसानी से, तो इसके इसके जड़ के जो रस निकलेगा ना, उसे वहाँ पर लगाने से वो कांटा हो या कील हो, वो ऊपर के हिस्सा में आ जाता है, उभर आता है, आसानी से निकालने में बहुत ही आसानी हो जाता है। इसलिए इसके रस को वहाँ पर लगाने से जो कील या कांच आपके पैर पे लग गया है तो आसानी से निकाल सकते हो। इसका एक प्रयोग ये भी है, और जहरीला ख़त्म करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इधर एक पौधा और दिख गया, इसका भी आप सबको बता देता हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, इसके क्या नाम से जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम तो इसके बनतुलसा बोल देते हैं, क्योंकि ये तुलसी के पत्ते के आकार के समान रहता है, देख सकते हो। लेकिन इसका पत्ता बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, इसलिए वन में मिलता है तो वन तुलसा बोल देते हैं हम लोग। तो इसके पत्ते को ना, या पुराना से पुराना दांत खाज खुजली या कुछ भी हो गया हो, खुजली हो या दांत हो या इग्जिमा हो, वहाँ पर इसके पत्ते का रस को लगाने से आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रयोग करके देख चुके हैं। इसको इस तरह से मसल सकते हो, और मसलने के बाद इसमें से जो रस निकलेगा ना, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हो दांत खाज खुजली एक्जिमा में, और दो दिन में ही रिजल्ट आपके सामने होगा, आपके क्षेत्र में मिलता होगा। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो। इधर तो बहुत सारे हो, देख सकते हो बहुत सारा है, इधर देख सकते हो इस प्रकार से रहता है। इसमें फल तो नहीं लगा है अभी, फल कुछ दिन बाद लगता है। और एक औषधि और बता देता हूँ दोस्तों, जो बुखार रहता है तेज़ी से जो ख़त्म नहीं होता है बुखार, उसके लिए भी मैं बताने वाला हूँ आप सबको। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो। इधर ही था वो भी औषधि, नहीं दिखाई दे रहा है आप सबको, मैं बता देता हूँ। जो बुखार आसानी से उतार देता है, इधर ही था दोस्तों, चलो इधर देखता हूँ। इधर आगे में शायद नाला पार करना पड़ेगा, इधर ही देखा था मैं, चलो ढूंढ लेता हूँ। देख सकते हो पानी का बहाव जा रहा है, जो अभी वन का तुलसा बता रहा था वो तो दिख गया है, लेकिन वो औषधि नहीं दिख रहा है। ये नहीं है, ये तो भूमि आंवला है, इसका भी मैं वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। इससे पार कर लेते हैं, तो दोस्तों आप सबको नया से नया जड़ी बूटी औषधि मैं दिखाता रहता हूँ हर रोज़। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और उसका लाभ ले सको। इधर ही देखा था मैं, हाँ दिख गए, इधर है दोस्तों। आप सबको पहले बता देता हूँ उसका पौधा, देख सकते हो दोस्तों इस प्रकार से इसका पत्ता रहता है, और ये जंगल में मिलता है, जंगल में या खेत में या मेड़ में कहीं पर भी, लेकिन लोग इसे खरपतवार समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। और इसी से जो बुखार का औषधि बनता है, जो गोली मिलता है ना मेडिकल में या बंसारी के यहाँ बुखार उतारने के लिए, तो यही फ़ायदा करेगा आप सबको। और इसका नाम है दोस्तों भुई नीम, देख सकते हो इस प्रकार से इसका पत्ता रहता है। तो इसके सेवन करने का विधि आप सबको बता देता हूँ। इसे
तोड़ कर ले जाना है दोस्तों। ये बहुत कड़वाहट रहता है, नीम से भी ज़्यादा कड़वाहट। नीम के पत्ती को तो एक बार चबा कर खा सकते हो, लेकिन इसके पत्ती को थोड़ा सा भी आप अगर जीभ में ले लिए तो आपका मुंह पूरा कड़वाहट से भर जाएगा और 5-6 मिनट तक आपको कड़वाहट ही लगता रहेगा। तो इसका औषधि प्रयोग बता देता हूँ, इसे सेवन विधि। तो इसके इतना सा डंडा आप ले लेना है, इतना था ले सकते हो, इतना सा एक खुराक के लिए, बुखार उतारने के लिए। चाहे जितना भी पुराना बुखार हो वो 2 या 3 दिन में ही जड़ से ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सेवन करना है आप सबको, इतना सा ले लेना है और इसे काढ़ा बना लेना है। 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाना है और उसमें थोड़ा सा बच जाए, 1 गिलास पानी में इसे उबालना है और थोड़ा सा बच जाए 1 कप के समान, 1 कप या आधा कप, उसे खाली पेट सुबह निगल लेना है दोस्तों। बहुत कड़वाहट रहता है लेकिन बुखार का जो तकलीफ़ रहता है वो दूर ही हो जाता है दोस्तों। चाहे पुराना से पुराना बुखार हो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा इस भुई नीम की वजह से। तो आप इसका सेवन कर सकते हो आपके क्षेत्र में है तो, और ये कोई पैसे में भी नहीं मिलता है दोस्तों, ऐसे ही खुले ज़मीन पर मिल जाएगा आप सबको। अच्छे से देखकर पहचान लो भुई का नीम को, भुई नीम। तो इसका भी जानकारी आप सबको बता दिया दोस्तों। और देख सकते हो दोस्तों अभी बहुत धूप है, तो मैं अपना वीडियो बनाने के लिए इधर आ गया था आप सबको दिखाने के लिए। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बनाकर आप सबको जानकारी देता हूँ, और जानकारी पसंद आता होगा तो हमारे लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के जानकारी वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।